हेलो दोस्तों, मैं अमिता। आज का मेरा वीडियो है किन्वा के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार है। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से आंतों की दीवारों पे भी नहीं चिपकता है। इसमें एमिनो एसिड्स सारे पाए जाते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जो कि हमें मदद करते हैं बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में। ये ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, जिससे हमारा वजन कम होता है, हृदय स्वस्थ रहता है। पिगमेंटेशन को कम करता है, ये मुहासों को डेवलप नहीं होने देता है। सूजन का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इलाज है किन्वा। ये कैंसर सेल्स को भी नहीं डेवलप होने देता, रेगुलर यूज अगर करें तो। और ये टाइप 2 डायबिटीज को रोकता है, क्योर करता है, हाई बीपी को रोकता है, और ये मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एनीमिया से रोकता है, एनीमिया होने से, क्योंकि आयरन होता है इसमें। फाइबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बना के रखता है। इसका लाइसिन एमिनो एसिड टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। सारे इसेंशियल एमिनो एसिड होने की वजह से बालों को बढ़ने में मदद करता है ये। तो इसको हम खाएं कैसे? इसका हम उपमा बना सकते हैं ढेर सारी सब्जियाँ डालकर, और इसको एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ डिनर आप ले सकते हैं। इसके लिए हम किन्वा को पहले से भिगा देते हैं एक आधा घंटा, और उसके लिए सारे राई, मिर्च, उड़द दाल और करी पत्ता, जैसे हम उपमा बनाते हैं नॉर्मल, सारी सब्जियां जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, जो आप उपमा बनाने में यूज करते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे सारा उपमा का रेसिपी का मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राई के दाने जब चिटकने लगें तो हमें उड़द दाल, करी पत्ता, फिर चिल्ली, इसको 1 by 1 करके डालते हैं। ये हो जाने पे फिर वेजीज डालते हैं, और वेजीज को बीच बीच में चलाते रहते हैं। सबसे लास्ट में हम डालेंगे शिमला मिर्च और इसको चलाते रहेंगे। इसमें मैंने नमक डाल दिया ताकि सब्जियाँ अच्छे से गल जाएँ, और फिर सबसे लास्ट में डालते हैं किन्वा। किन्वा को डाल के थोड़ा सा चला के प्रॉपर अमाउंट में पानी डाल देते हैं, और कुकर का ढक्कन बंद करके लगभग 2 सीटी आने तक इसको वेट करते हैं। और जब हमारी 2 सीटी कंप्लीट हो जाती है तो प्रेशर अपने आप खुलने दीजिए, और उसके बाद आप सर्व करिए, गार्निश करिए धनिया पत्ती से, पीनट से, और ये आपका हेल्दी डिनर या ब्रेकफास्ट तैयार है। और इसको आप ज़रूर एक बार यूज करिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू और बाय, टेक केयर, बाय बाय।